नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जी हाँ, इन दिनों गर्मी महसूस की जा रही है। हर जिले में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ दिनों से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के तापमान में उछाल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्द ही प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर ठंड का एहसास होने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई है। आपको बता दें कि 25 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश का मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान कई जिलों में ओले गिरने की भी मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में लगातार देखा जा रहा है मौसम में उतार चढ़ाव से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में राजधानी भोपाल में मौसमी बीमारियों के साथ साथ एलर्जी की मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीते 10 दिनों में एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या में 25% तक इजाफा हुआ है। जी हाँ, यानी कि 10 दिन पहले एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या 1000 थी, अब वह संख्या बढ़कर 3000 पर पहुंच गई है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि इंदौर जिले में 1 अप्रैल से लागू होने वाली अचल संपत्ति की शासकीय गाइडलाइन दरें तय करने की प्रक्रिया लगातार ही जारी है। शनिवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिले के 2062 क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि की प्रस्ताव जो है वो पारित हुए हैं। इसमें 84 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 25% से अधिक मूल वृद्धि प्रस्तावित की गई है। सुपर कॉरिडोर और नेपानिया क्षेत्र की सर्वाधिक कॉलोनियों में गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव भी बनाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में लागू होने वाले अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन में वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक संकुल में आयोजित बैठक में मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पर अब मोहर लग गई है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार ही जारी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों की एक आज ऑनलाइन बैठक हुई है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली जो है वो संबोधित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पदाधिकारियों से कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें, कांग्रेस कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में बाजी पलटने के लिए तैयार रहें। कहा कि संगठन जितना मजबूत होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाना है। कार्यकर्ता जनता में यात्रा को लेकर जानकारी दे और बड़ी संख्या में नागरिकों को यात्रा में शामिल करें। ये बैठक आज हुई है वर्चुअली कांग्रेस की, जिसमें कमलनाथ ने यह सभी निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने महादेव मेला के लिए किराया निर्धारित किया है। जी हाँ, मेले के दौरान वाहनों की सघन जांच के लिए भी एक दल जो है वो गठित किया गया है। निर्धारित किराए से ज्यादा किराया वसूलने पर वाहन चालकों के खिलाफ भी चालानी कार्यवाही के निर्देश जो है वो विभाग ने दिए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 29 फरवरी से 9 मार्च तक महादेव मेला आयोजित होने वाला है। इस मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा महाराष्ट्र के भी लाखों श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्री वाहनों में किराया निर्धारित कर दिया है। जी हाँ, परिवहन विभाग ने किराया सूची जारी करते हुए वाहन चालकों को उक्त सूची बसों में अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि बस संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे निर्धारित किराए से ज्यादा ना वसूले। अगर वो ज्यादा किराया वसूलेंगे तो चालानी कार्रवाई भी हो सकती है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो ऐसी आज की दिन भर की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।